बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। पहले तो हमें इस जानकर खुशी हुई कि आप रोली जौनपुरिया के नाम से यूट्यूब में काम करते हैं, सब परिवार, माता जी, पत्नी आपकी, जी। और हम लोग ट्यूब को देखते भी हैं, और धन्यवाद। बहुत इच्छा भी थी कि कभी मुलाकात हो जाए। यह सौभाग्य आज मिला कि आज मुलाकात हुई, और आज के कार्यक्रम में डमरुआ गांव में डॉक्टर महेंद्र मौर्या जी के माता जी जी। का असामयिक निधन पर, शुद्धक के जगह बौद्ध रीति से शांति पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के बौद्धाचार्य श्री बाबानंद जी, माननीय प्रदीप कुमार मौर्या जी, रॉयल प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर, माननीय डॉक्टर विजेंद्र मौर्या जी और सूर्य प्रकाश जी, हमारे वकील साहब, अच्छा नाम तो बहुत लोग थे, जी, संतोष मौर्या एडवोकेट जी, और बहुत से लोग यहाँ उपस्थित थे जिसके बारे में हम सबका नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब लोगों ने इस नई बौद्ध रीति से जो शांति पाठ का आयोजन किया गया, जी सब बढ़ चढ़ के भाग लिए, और माता जी के स्मरण मन में पौधारोपण भी मन की किया गया। शांति के लिए, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति के लिए शांति पाठ का आयोजन हुआ था, और माता जी के स्मृति में जी। 5 पौधों का वृक्षारोपण हुआ, जो कि संभवतः इस क्षेत्र में एक नया कार्य है, और माता जी के पल पल याद, जिस तरह वृक्ष बढ़ते जाएंगे माता जी का पल पल याद होता रहेगा, और इसी के संबंध में यहाँ के सफल कार्यक्रम के लिए आयोजक से लेके तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, धन्यवाद। समाज को जागरूक करने के लिए इस दिशा में आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? आज अपने क्षेत्र में अगर ऐसी, खुदा न करे कोई ऐसा घटना हो, अगर चूंकि ये आना जाना लगा रहता है। सर देखिए, जन्म और मरण दोनों सत्य है, जी, जिसका जीवन होगा उसकी मृत्यु होगी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम बस ये कहेंगे कि तमाम अंधविश्वास पाखंड से दूर रह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के मामले में हमारा तथागत कि उनके माध्यम से आप लोग जैसे लोगों से मुलाकात होने का जो है सौभाग्य मिला। और डमरुआ की बात हो तो माननीय सूर्य प्रकाश मौर्य का नाम छूट जाती है मुश्किल है, तो आप जो है जी। हमारे मौर्य जी, आप सर बताइए, इसे प्रकाश डालिए इस चीज़ पे जो शुरुआत हुआ इस परंपरा का, वास्तव में बहुत अच्छा है। हम जहाँ तक समझ रहे देखिए, ये जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं हमारी, बौद्ध धर्म हमारा प्राचीन धर्म है, कुछ कारणों से, कुछ विसंगतियों से ये पीछे चला गया था, लेकिन धीरे 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 ये बदल रहा है, और लगभग सर हम समझ रहे हैं कि 1848 से ये जो परिवर्तन का कारवा चला है, 1848 से शुरू हुआ है और आज इस मुकाम पे आ गया है कि गांव गांव में लोग बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिए हैं। एकदम सही बात है। तो धीरे धीरे ऐसे बदलते बदलते समाज उस दिशा में जा रहा है। तो समाज जागरूक होगा, आप जैसे लोग जगाते रहेंगे, जरूर जागरूक होगा, कुछ अपनी बात रखें, ये दिशा में और प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद सर। यहाँ आदरणीय डॉक्टर महेंद्र कुमार मौर्य, जो कि डमरुआ और निवासी हैं, उनकी माता जी के जो शुद्धक का कार्यक्रम था उसमें उपस्थित हुए जी, और उसमें हम सभी लोग इकट्ठा हुए, और इसमें एक जो एक शुरुआत हुई है, जो पेड़ लगाने की शुरुआत हुई माता जी के यादगार में, उससे माता जी तो जो थी, जब तक थी इस धरती पर तब तक उनका पोषण तो अपने बच्चों का की ही, साथ साथ जो पौधा लगा करके उससे जो फल पैदा होंगे उनको, पूरे परिवार को पोषण करती रहेंगी, पूरे क्षेत्र को पोषण करती रहेंगी, कहेंगे भाई ये सबसे बड़ी हमको खुशी है
कि ये शुरुआत हर जगह होनी चाहिए और इस परंपरा को धीरे 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 आगे बढ़ाते बढ़ाने का सहयोग प्रदान होता रहे। धन्यवाद सर। आज सभी लोग पंचती मौर्य चैनल बने रहें। और दोस्तों हम कहना चाहेंगे, एक वास्तव में जो तर ही होता है पुराने परंपरा हो रहा है, लेकिन अब नए ढंग से हमको परिवर्तित करके बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। और वैसे भी यह तेरही का कार्यक्रम वास्तव में समाज के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, और बहुत से राज्यों में जो है इसके विपरीत कार्य हो रहा, मतलब इसको हटाया जा रहा है। बहुत से राज्यों में बहुत से मानिंद लोग ऐसा कर चुके हैं।